फंक्शन ऑफ सेल मेंबरेन्स फर्स्ट द कॉन्टेंट्स सेलोर बाउंड्रीज सेल मेंबरेन्स एंड सेलोलर बाउंड्रीज सेल मेंबरेन्स फार कंपार्टमेंटलाइजेशन्स सेल मेंबरेन्स फार मेटीरियल ट्रांसपोर्ट फार आ साइट फार केमिकल रिएक्शंस आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स एंड द रोल ऑफ सेल मेंबरेन इन द होम्योस्टेसिस अगर हम यहाँ देखें तो जैसे जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं जब हम सेल मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कहते हैं तो इससे मुराद सिर्फ़ हमारी सेल की आउटर मेम्ब्रेन नहीं है बल्कि इससे मुराद सेल मेम्ब्रेन और जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनालीस सेल के अंदर मौजूद हैं जिसमें वी आर हैविंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी आर हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस लाइजोजोम्स पारागजीजोम्स जितने भी ऑर्गेइलीज हैं उनकी मेम्ब्रेन्स भी बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो जब भी हम किसी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं तो इट डजन मीट कि हम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं जितना भी स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल मेब्रेन हम पढ़ते हैं वो उस तमाम मेम्ब्रेन के ऊपर इक्वली अप्लाई होता है यानी वही चीज़ जो हम सेल मेम्ब्रेन के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं वो सेल की आउटर मेम्ब्रेन और बाकी जो प्लाज्मा मेम्रेन हैं उनके लिए भी यूज़ होती है अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज मेम्ब्रेन ये डिफरेंट मेम्रेन क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं जो सबसे प्रॉबिट इंपॉर्टेंट जो है इसका जो फंक्शन जो, जो सबसे पहले जिसको आप मैंशन करने जा रहे हैं वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली सेल को बाकी इन्वायरमेंट से बाकी चीज़ों से अलग करती हैं तो बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग आर बाउंड्री टू द सेल क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है इट विल मिक्स विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मिक्स हो गया तो जो ऑर्गनाइज स्ट्रक्चर है सेल का वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है इसलिए सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे पहला काम है ये है कि वो सेल को एक प्रॉपर बाउंड्री प्रोवाइड करती है जिसके अंदर सेल अपनी तमाम एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करेगा कंपार्टमेंटलाइजेशन अच्छा कंपार्टमेंटलाइजेशन में एक तो हो गया आउटर बाउंड्री जो है वो कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब यह कि सेल के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं अब उन छोटे कंपार्टमेंट्स को हम ऑर्गेनालिज कहते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक कंपार्टमेंट है जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है गलजियोपेटस है लाइजोजोम्स हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स के सेल के अंदर क्या है छोटे छोटे जो है वो कंपार्टमेंट्स हैं और हर एक के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिफरेंट इन्वायरमेंट जो है वो चल रहा है अगर ये कंपार्टमेंट्स ना होते तो माइटोकॉन्डनी के अंदर ए को बनाने वाला जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट ना हो सकता इस तरह से गोल्जी ऑपरेटर्स ने जो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करनी है वो ना कर सकती तो कंपार्टमेंटलाइजेशन में डिफरेंट सेलुलर ऑर्गैनलिस को अलग अलग सेपरेट जो है वो एक स्पेस मिलती है टू प्रोवाइड टू परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं परफार्म करते हैं सो कंपार्टमेंटलाइजेशन जो वो सेल के अंदर या जैसा न्यूक्लियस है न्यूक्लियस भी एक कंपार्टमेंट है सेल का जिसके अंदर डी एन ए रेप्लीकेशन होगी ट्रांसक्रिप्शन होगी बाकी काम in जो वो होंगे इसमें मटीरियल ट्रांसपोर्ट मेमब्रेन आर ऑल्सो इन्वाल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटीरियल्स अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो सेल मेमब्रेन है जितने भी सेल के मटेरियल्स हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू सेल मेम्ब्रेन यानी कोई भी चीज़ सेल से अंदर जानी है ऑक्सीजन इनहेल हमने की है वो ऑक्सीजन जब भी हमारे सेल तक पहुँचेगी तो उसने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाना है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है वाटर की ट्रांसपोर्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है या इवन जो हम फूड लेते हैं जब वो सेल तक पहुंचता है तो उसने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही अंदर जाना है तो तमाम तरह की ट्रांसपोर्टेशन जो है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन तो मैम्ब्रेन जो होती हैं बेसिकली इसको जो है वो कंट्रोल करती है इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एक मेम्ब्रेन है जो अकॉर्डिंगली क्या करेगी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगी थर्ड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द दे आर द साइट फॉर केमिकल रिएक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अपेरेंटली तो हम यही कहते हैं कि ये बाहर क्या है कि ये एक एनिवल पर है या एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर है बट इट इज हैविंग मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है वो प्लाज्मा ब्रेन के ऊपर होते हैं अब सिंपल सी मैं एग्जाम्पल दूँ जैसे हमारे जितने भी बॉडी सेल्स होते हैं आपको कहते हैं हमारी बॉडी में हारमोन रिलीज होते हैं हारमोन्स हमारे सेल्स को इफेक्ट करते हैं या फिर इसके अलावा हमारा जो नर्वस सिस्टम है नर्वस सिस्टम हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है अब जो नर्वस सिस्टम है या हारमोन्स हैं वो सेल्स को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते बेसिकली वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर अपना कोई ना कोई केमिकल रिलीज करते हैं अब ये जो केमिकल रिलीज होगा इट विल रिएक्ट विद द मालिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स हैं या बाकी चीजें उनके साथ रिएक्ट करेगा ये बाहर होने वाला रिएक्शन इन साइड के ऊपर जाए शो होगा और क्योंकि ये जो प्रोटीन है जो मालिक्यूल उसका एक सरा बाहर होगा एक अंदर होगा तो बाहर से जो स्टिमुलस रिसीव होगी उसको फिर बाद इनसाइड एक केमिकल रिएक्शन चलेगा जिस सेल आप अपना रिस्पॉन्स शो करेगा तो इट मीन्स सेल की जितनी भी कम्युनिकेशन है रिएक्शंस प्रेजेंट एट विच आर बेसिकली डन विच आर बेसिकली परफॉर्म एट दर्फिस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स। आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स सेल मेम्ब्रेन्स की सर्फिस के ऊपर जितनी प्लाज मेम्बरेन्स हैं उनकी सर्फिस के ऊपर बाकायदा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स होते हैं विच आर प्रोवाइडिंग द आइडेंटिटी टू दैट सेल तमाम सेल्स की क्या है कि आइडेंटिटी के लिए उसकी सर्फेस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर्स मौजूद है मालिक्यूल्स मौजूद हैं ये मार्कर बेसिकली मालिक्यूल्स हैं इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपके पास है ब्लड सेल्स जो हैं एक शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर क्या होता है एंटीजन ए होते हैं तो एंटीजेंस क्या हैं आर मार्कर फॉर देट सेल्स इस शख्स का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मार्कर कौन सा होगा एंटीजन बी होगा तो इससे अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए भी है तो उसके पास दोनों एंटी मार्कर्स जो है वो मौजूद होते हैं तो सेल मेब्रेन के ऊपर डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स हैं जो सेल्स को पहचान देते हैं या उसको जो है बाकी चीज़ें जो है रेकग्नाइज कर सकती हैं रोल ऑफ सेल मेंब्रेन इन होम्योस्टेसिस अच्छा होम्योस्टेसिस क्या है होम्योस्टेसिस का मतलब यह है कि सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक खास लिमिट्स के अंदर रखना स्पेसिफिक क्या वो तो एक नैरो रेंज के अंदर सेलुलर इन्वायरमेंट को रखने का नाम क्या है होम्योस्टेसिस है अब इसमें से सिंपल अगर हम देखें तो हमारे ब्लड के अंदर हमारे सेल्स के अंदर वाटर का एक खास लेवल मौजूद है अब अगर वाटर एक्सेस में मौजूद है सेल मेम्ब्रेन उसको बाहर निकाल देगी और अगर वाटर जो है वो शॉर्टेज में है कम है सेल के अंदर कम हो रहा है तो बाहर से वाटर को इनटेक कर लिया जाता है तो सेल के अंदर एक खास इन्वायरमेंट को क्या किया जा रहा है मेंटेन रखा जा रहा है